role of political parties in this session we are going to discuss that what is a political party and what is basically the role of a political party because political party is an organization that nominates candidates to stand for election in the name and seeks to place a representative in the government बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन है वो क्या है कि वो एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करेगी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और फिर जो लोग उसको अगर अक्सरियत में वोट देंगे तो वो हकूमत साजी में या अपोजिशन में अहम रोल प्ले करेगा देन अ पार्टी बेसिकली इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़ एक्टिव पॉलिटिकल एजेंट हु कम्पीट फॉर पॉपुलर सपोर्ट विद अनदर ग्रुप Or persons holding diverse views. And parties are inevitable specifically in the uh, form of democracy or in the form of any representative uh, system of uh, politics because uh, the government basically needs the representative people to perform the duties. And the relationship between the political party and democracy. It is again a very important component of uh, any representative form of government because if the uh, relationship between the representatives and the political party is satisfactory, then definitely the performance of the government and the performance of the system must be catered as the popular and uh, responsible form of government. So we can say that the political parties, they uh, are the basic pillars of our representative uh, democracies. And uh, uh, historically, if we may analyze that when we talk about and when we talk about the evolution and uh, uh, the systematic development of democratic form of government, the role of political party, it is actually very important and critical. पॉलिटिकल पार्टी और डेमोक्रेसी के दरमियान क्यों इतना इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है क्योंकि जमहूरीत का मतलब ही नुमाइंदा तर्ज़ हकूमत है और नुमाइंदगी जो है उसके लिए जब आबादी बहुत कम होती थी तो उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसीज का रिवाज था क्या हुक्मरान को डायरेक्टली मंतखब कर लें तब लोग एक दूसरे को जानते थे या पहचानते थे और कम पॉपोलेशन की वजह से इंटरेक्शन पॉसिबल था लेकिन आजकल के दौर के अंदर और फिर जो फेजेस 19वीं और 20वीं सदी में जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बाकायदा उनका राइज़ हुआ उनकी डेवलपमेंट हुई तो उसके पीछे क्या फैक्टर था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आइडियोलॉजीज ग्रो कर रही हैं और पार्टीज़ को बाकायदा अपने प्रोग्राम और मैनिफेस्टो बनाने पड़ रहे हैं ताकि लोगों को वो एक फ्रेमवर्क दे सकें और उस फ्रेमवर्क को लोग फॉलो करें और जिसको फ्रेम जो फ्रेमवर्क सूट करता है लोग उस पार्टी को फेवर दें क्योंकि फिर अल्टीमेटली जिसके पास अक्सरीत होगी उसी ने हुकूमत साजी करनी है तो अगर लोगों के पास एक प्रॉपर मैनिफेस्टो ये एक प्रोग्राम पहुंचेगा और उन्हें यह अंदाज़ा होगा कि इस पार्टी का लीडर कौन है तो लोगों को अपना वोट देने में भी आसानी होगी और उसी वोट की बुनियाद पर उन्हें यह मालूम होगा कि उनके मुस्तबिल हुक्मरान कौन है लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों के साथ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग ना करें तो ये गैप बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि लोगों को ये अंदाज़ा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने की बजाय किसी ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दिया दे दिया जाए जो उनके मसाइल के बारे में ज़्यादा बात करता है तो आजकल के दौर में किसवीं सदी में अगर हमने बात करनी है रोल ऑफ पोलिटिकल पार्टीज़ की दैन डेफिनेटली वी हैव टू टॉक अबाउट दैट वेदर पोलिटिकल पार्टीज हैव सम मैनिफेस्टो वेदर दे हैव अ प्रॉपर फ्रेमवर्क एंड हु आर देयर कैंडिडेट्स क्या उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो आइडियोलॉजिकली अपनी पोलिटिकल पार्टीज के साथ एफिलिएटेड हैं या वो एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस वो उस पार्टी के साथ मिलते हैं जस्ट टू विन द इलेक्शंस और जब आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन नहीं होती तो उससे पॉलिटिकल पार्टी का रोल वीक होता है और अल्टीमेटली उसका इम्पेक्ट उसका इन्फ्लुएंस जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम पर आता है और वो सिस्टम पर जो इम्पेक्ट या जो इन्फ्लुएंस आता है वो नेगेटिव होता है चुनाचे इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो पोलिटिकल पार्टीज़ का रोल है इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी Or in the working of a political system, it is quite important, and definitely we must have some understanding regarding the role of political parties.